गुजरात और दिल्ली ये क्यों आए, क्योंकि गुजरात वैसे भी कोई ना कोई तरह के से, आपने अगर कुंद्रा बंदर का देखा होगा, बिल्कुल 20,000 करोड़ की ड्रग वहां पकड़ी गई थी, डीआरआई ने रेड करी थी 2 साल पहले, तो गुजरात में जरूर इसका कोई कनेक्शन निकला होगा। उसको ट्रैक करते करते गुजरात की एटीएस जो है दिल्ली पहुंच गई। इतना बड़ा ये ड्रग का रैकेट भंडाफोड़ होता है, एक फैक्ट्री चलती है, आखिरकार इतने लंबे समय से चल रहा होगा, लूपहोल्स कहाँ होते हैं, क्यों नहीं हम उनको समय रहते ही पकड़ पाते हैं या इनके बारे में जान पाते हैं? एक वजह है कि ये लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी को छिपाने के लिए जो कवर लिया जाता है, जैसे यहाँ पे वो रोप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का बोर्ड आप देख सकते हो, ये जो कवर होता है उस कवर के अंदर इसको अनकवर करना, जिसको हम सर्वेलेंस कहते हैं या फिर विजिलेंस, बड़ा तगड़ा इंटेलिजेंस इसमें होना जरूरी होता है, और वो भी इंटेलिजेंस सिर्फ मालूमात के तौर पर नहीं। सो ऑलवेज देर इज अ कैटेगरी जिसको हम ऑपरेशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अभी एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड दिल्ली और एटीएस गुजरात की पुलिस को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, वो इसलिए कि ऐसे बड़े ड्रग्स और बड़ी घपलों के जो इंटेलिजेंस होते हैं वो लोकल पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगते, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन मैं लोकल पुलिस को इसमें बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है वो कवर इतना मजबूत रहा होगा कि किसी भी तरीके से लोकल पुलिस को पता न चले। और व्यापार जो है ड्रग का, आजकल ड्रग करेंसी के तौर पे भी यूज हुआ होता है, युवाओं के लिए भी यूज होता है, हो सकता है उसका डिलीवरी पैटर्न कहीं मध्य प्रदेश से बाहर रहा होगा, भोपाल से बाहर रहा होगा, इसके लिए लोकल पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन ऐसे केसों में जहां तक मेरा तजुर्बा है, बहुत ऊंची लेवल की इंटेलिजेंस, यू कैन से नेशनल लेवल की इंटेलिजेंस या फिर इंटरनेशनल कनेक्शन अगर हाथ लग जाए और उनको हम ट्रैक करें। देखिए अभी गुजरात कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, दोनों ने किसी तरीके से जो ट्रैकिंग सिस्टम उनका इस्तेमाल किया होगा, उस ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर सारे सबूतों के साथ और माल भी मिलना चाहिए, यूं ही रेड हो जाए वो बात नहीं है। मजे की बात इसमें एक नजर आती है मुझे, सिंस आई बिलोंग टू महाराष्ट्र बंबई की पुलिस से, नासिक का एक अभी गिरफ्तार हुआ है। अब ये जो नासिक कनेक्शन है, तो कई महीने पहले, कम से कम 9-10 महीने पहले, नासिक में 3,000 करोड़ के ड्रग्स की फैक्ट्री बरामद की गई, तो इसी प्रकार का व्यवहार था। तो हो सकता है इसके कनेक्शन वहां से चले होंगे। एक से एक करके पुलिस को ऑपरेट करने को इतने दिन लग गए, लेकिन जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो सराहनीय है। कि मध्य प्रदेश के जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्टर हो गए या इंडस्ट्री के डायरेक्टर हो गए, उनका क्या इसके ऊपर रोल था? अगर इंडस्ट्री में ड्रग बन रहे हैं और उसका रैपर, उसका पैकिंग अगर किसी और दिशा में जा रहा है और स्टिकर के साथ जा रहा है, तो पुलिस को, नॉर्मली लोकल पुलिस को ये शक नहीं होता है। अब इस केस में बड़ी सोचने वाली बात है कि गुजरात और दिल्ली ये क्यों आए, क्योंकि गुजरात वैसे भी कोई ना कोई तरह के से, आपने अगर कुंद्रा बंदर का देखा होगा, बिल्कुल 20,000 करोड़ की ड्रग वहां पकड़ी गई थी, डीआरआई ने रेड करी थी 2 साल पहले, तो गुजरात में जरूर इसका कोई कनेक्शन निकला होगा। उसको ट्रैक करते करते गुजरात की एटीएस जो है दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली के एनसीबी ने उनको कोऑपरेट किया वहां पे। वुज आउट है, मेरा कहना यही है कि अगर भोपाल में फैक्ट्री है और उसका वुजिंग आउट पॉइंट अगर मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, तो हम बिलावजी पुलिस को आपके मतलब इस लेवल पे जिम्मेदार ना समझे। हो सकता है आगे की तहकीकात में अगर गुजरात का कोई पुलिस अफसर उसमें पकड़ा जाए या गुजरात की सरकार का कोई नुमाइंदा उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो तहकीकात तो उसको छोड़ेगी नहीं, उसमें तो जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, ये मैं कहूंगा। ये वुज आउट निकलने के बाद में जो वर्कआउट होता है इंटेलिजेंस का, वो एक नेशनल लेवल का आईपी की मालूमात के हिसाब से ये सारी चीजें जब देखी जाती है और उसको एक ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के रूप में आने के बाद में जब रेड होती है, तब जाकर ये कामयाबी पुलिस को मिली है। तो हर हाल में ये मुमकिन है, मैं दावा नहीं करता, ये मुमकिन है कि इसके जो वुझाउट है, मतलब जो पैकेट भोपाल से निकल जाते होंगे, वो पैकेट या तो गुजरात जाते होंगे या दिल्ली जाके ही खुलते होंगे, वहीं पता चलता होगा कि इसके अंदर ड्रग है। और अगर रेगुलर तौर पे इसकी चेकिंग होती, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स है हमारे, इंडस्ट्रियल डायरेक्टर्स है, ये लोग क्या कर रहे थे अगर इन्होंने चेक की होती? नॉर्मली दिस डू नॉट कम अंडर द पुलिस परव्यू। लेकिन फिर भी मैं कोई क्लीन चिट गुजरात पुलिस को नहीं देना चाहूंगा, तब
तब तक जब तक के इंक्वायरी होकर उसके अंदर कोई इन्वॉल्व है या हमें साबित नहीं हो जाता। अंत में मैं यही गुहार लगाऊंगा कि जो भी प्रोब हो ऐसे बड़े बड़े मामला तो में डेफिनेटली 101% आई नो दुबे सर वुड बी एग्री विथ मी कि ये पॉलिटिकली कनेक्टेड और कोई तो पावरफुल आदमी इसके पीछे डेफिनेटली, क्योंकि इसका बिना संरक्षण के, बिल्कुल बिना किसी के हाथ के ये इतना बड़ा रैकेट नहीं चल सकता। कमेंट धनराज जी आपसे मैं लेना चाहता हूँ, एमडीएम ड्रग्स के क्या नुकसान होते हैं, कैसे इसको हम समझे, कैसे आम लोग इससे जागरूक हो, और अगर आसपास उनको कोई शक हो तो कैसे वो शक को और पुख्ता कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम सजा क्या होती है, इसमें रखने वाला खरीदने वाला उसको क्या सजा मिल सकती है, किस तरह से इसको व्यवहारिक तौर पर समझे। इसमें तो जब तहकीकात होगी तब पजेशन से लेकर इसका मैन्युफैक्चर करने वाले से लेकर तो सारे उसमें अपराधी करार कर दिए जाएंगे। ड्रग की खासियत इसमें यह है कि ये ज्यादातर युवाओं में इस्तेमाल होता है। आज अगर कॉलेज देखिए या कुछ बड़े शहरों के इंटरनेशनल जो सिटीज है उसके स्कूलों में भी 9th-10th के बच्चों में भी ये ड्रग्स की खरीद फरोख्त हो रही है। हम कैंटीन में देखे या उनके पार्टियों में देखे, कहीं आजकल ये एक शौक सा हो गया है। जैसे शराब तो पीछे पड़ गई, मतलब विस्की तो ऐसा माना गया कि कुछ माने ही नहीं है, मतलब ड्रग को लिविंग स्टैंडर्ड मानने लगे लोग, हमारे सोसाइटी ने कर लिया। ये ड्रग स्टेटस सिंबल होने के कारण हर कोई युवा जो ड्रग लेता है अपने आप को बहुत शौहरियत महसूस करता है। तो इस तहत ये ड्रग का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ा है। इतनी बड़ी तादाद में ड्रग मिलना इस बात का सबूत है कि उसकी उतनी मार्केटिंग भी और उतने उसके ग्राहक भी है हमारे देश में, और नजदीकी है और नजदीकी बिका जाता है। ये सारी बातों को एक साथ में लेकर अगर साझा केस बनता है तो उसमें हर वो आदमी जो कनेक्ट होता है, और एनडीपीएस एक्ट की इसमें एक खासियत है कि मान लो अगर कोई एजेंसी या कोई गवर्नमेंट एजेंसी जैसा फैक्ट्री इंस्पेक्टर है या डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है या पुलिस ऑफिसर है वहां के लोकल है कोई, वो अगर इसमें किसी भी तरीके से कमीशन और ओमिशन यानी जो करना चाहिए तो वो किया नहीं, उसके अंदर भी अगर कनेक्ट होते हैं तो एनडीपीएस हैज अ स्पेशल प्रोविजन टू मेक सच ऑफिसर ऑल्सो एक्यूज इन दिस केस, दे कैन ऑल्सो बी एक्यूज। तो मैं चाहता हूं इस केस को तहकीकात तो खैर बहुत तगड़ी होनी ही चाहिए, उसके अलावे एक जुडिशियल कमीशन इस पे लगे, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। एक जुडिशियल कमीशन लगे और ये किसकी छत्र छाया में ये व्यवहार पनप रहा था, कौन वो आदमी है, कौन वो पॉलिटिकल कनेक्टेड है, कौन बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई तो इसमें किंग पिन है। हमने देखा है कि कई तहकीकातें इस देश में होती है लेकिन किंग पिन को हम नहीं पकड़ पाते। कुंद्रा बंदरगाह का गुजरात की अगर आपने देखा तो अब तक के किंग पिन नहीं मिला उसका। तो ये बातें जो है ये कुछ खामियां हमें दूर करनी होगी और उसके लिए कोशिश करनी होगी। हो सकता है साथ में पब्लिक को भी थोड़ा सा अपना माइंड बना के